हेलो गाइस, आई एम पुदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री सो गाइस, आज हम आयोनाइजेशन इन थेरेपी स्टडी करने वाले हैं सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आयोनाइजेशन इन थेरेपी इन दिस वीडियो एंड वी आर गोइंग टू कवर इट कंप्लीटली सो इस वीडियो में हम आयोनाइजेशन इन थेरेपी के बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे एंड विथ इट्स एनिमेशन वीडियो सो लेट स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और पिछले वीडियो में हमने बनाया था हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट सो लेट स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आयोनाइजेशन इन थे होता क्या है सो लेट्स डू इट तो क्या होता है आयोनाइजेशन इन ये मेरा एक एटम है और ये है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है आई वॉन्ट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए होगी दैट विल बी कॉल्ड आयोनाइजेशन इन यानी कि मैं इसे कितना एनर्जी प्रोवाइड करूं कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाए सो आयोनाइेशन इन्थेलपी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन अब जो आयोनाइजेशन एनथेलपी होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल एंड दैट इज डेल्टा आई एच डेल्टा आई एच का मतलब क्या हुआ एच का मतलब होता है एंथेलपी या एनर्जी एच हमारा होता है एंथेलपी या एनर्जी और आई होता है आयोनाइजेशन तो आयन बनाने में जो एनर्जी लगी है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इन थेरेपी एंड सो वी हैव दिस सिंबल डेल्टा आई एच अब हम ये देखते हैं वॉट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इन थेरेपी तो पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज मेरे पास दो एटम्स हैं फर्स्ट एटम इज दिस एंड सेकेंड एटम इज दिस तो ये जो दो एटम्स हैं इनके आउटर मोशल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना है तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे मेरे पास दो शेल हैं और इस वाले केस में मेरे पास तीन शेल हैं तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे दो शेल हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा अट्रैक्शन होने के वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा अब मैं चलता हूं दूसरे केस पे जहां पे तीन शेल्स हैं यहां पे है टोटल तीन शेल्स और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है तो ये है मेरा इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस और ये लगा रहा है इस पर अट्रैक्शन पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से काफी दूर है यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा कम अट्रैक्शन है पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन था पर इस वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन थोड़ा कम है क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफी दूर है तो इस अट्रैक्शन कम है और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो यह काफी आसान होगा तो यहां पे इस वाले केस में मैं देखूंगा लो आयोनाइजेशन इन पे मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और अगर मैं इस साइड देखूं यहां पे होगा हाई आयोनाइजेशन इन कि यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि आयोनाइजेशन इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा आयोनाइजेशन इन फैक्टर पढ़ लिया एंड दैट वाज एटॉमिक साइज अब हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज आयोनाइजेशन इन को कैसे अफेक्ट करता है अब चलता हूं मैं न्यूक्लियर चार्ज पे तो न्यूक्लियर चार्ज पे हम देखते हैं ये है मेरे पास दो एटम एक पे चार्ज है प्लस टू और दूसरे पे चार्ज है प्लस थ्री तो यहां पे आप देख सकते हो कि प्लस थ्री वाले में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब कि ये इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालना चाहें देन इट विल बी डिफ़िकल्ट क्योंकि ये जो प्लस थ्री वाला है उस पर चार्ज ज़्यादा है और वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ है और इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है तो यहां पे मुझे देना होगा हाई आयोनाइजेशन इन्थेरेपी यहां पे मुझे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनथेरेपी देना होगा ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा सकूं और अगर मैं पीछे देखूं तो पीछे क्या है यहां पे प्लस टू चार्ज यानी कि यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम है यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन थोड़ा कम है जिसके कारण से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो इस केस में मेरे को देना होगा लो आयोनाइजेशन इन यानी कि यहां पे मैं कम एनर्जी दूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट था बट इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज तो ये होता है न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट यानी कि आयोनाइजेशन इन थेरेपी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना होगा सो आयोनाइजेशन इन प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज अब हम कर रहे हैं अपना तीसरा पॉइंट एंड दैट इज पैनिट्रेशन इफेक्ट तो अब हम स्टडी करने वाले हैं पैनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में सो लेट्स टू इट अब मैं देखता हूं पेनेट्रिशन इफेक्ट पैनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है यह है मेरे पास एक एस ऑर्बिटल और ये है मेरे पास एक पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस और जो पी का इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो यहाँ पे है मेरे पास दो ऑर्बिटल एक है एस और एक है पी एस में जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में है एंड दैट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस और जिसके कारण से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा और अगर मैं पी में देखूं तो पी में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया हुआ है इसके आसपास ये है इलेक्ट्रॉन और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस तो हमारे पास चार होते हैं ऑर्बिटल एक होता है एस एक होता है पी एक होता है डी एक होता है एफ तो हमारे पास ये चार ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है सो एस इज ग्रेटर देन पी और इसी तरीके से पी होता है ग्रेटर देन डी और डी होता है ग्रेटर देन एफ यानी कि एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है और एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है सो so, ये है हमारा पेनेट्रेशन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब प्रॉक्सीमिटी टू द न्यूक्लियस जो एस है दैट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस और जो एफ है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस सो वी आर गेटिंग S is greater than P, P is greater than D, D is greater than F. सो दिस इज वॉट वी ऑब्जर्व अब अगर मैं आयोनाइजेशन इन की बात करूं तो S के केस में आयोनाइजेशन इन हाई होगा और F के केस में आयोनाइजेशन इन लो होगा सो so यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सो लेट्स डू इट अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एंड दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है यह है मेरा सोडियम एटम और इसका एटॉमिक नंबर होता है इलेवन इलेवन का मतलब कि यहां पे होगा ग्यारह प्रोटॉन और ग्यारह इलेक्ट्रॉन अब यहां पे क्या है सोडियम का अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम के फर्स्ट शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन तो ये होता है सोडियम का स्ट्रक्चर और इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्यारह इलेक्ट्रॉन अब हमारे को इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आउटर मोस्ट शेल से यानी कि ये जो आउटर मोस्ट शेल यानी कि ये जो थर्ड शेल है इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मुझे वो निकालना है अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ अट्रैक्टेड टू न्यूक्लियस ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में अट्रैक्शन है पर आप देख सकते हो कि जो अंदर शेल्स हैं ये फर्स्ट और सेकेंड शेल इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम कहते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन हम इसे क्यों कहते हैं क्योंकि ये इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको अफेक्ट कर रहे हैं बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है पर ये जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इस अट्रैक्शन को घटा रहे हैं वीनो की नेगेटिव नेगेटिव रिपेल अदर तो ये जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है और बाहर वाला जो ये एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज तो इन सभी में क्या होगा कि रिपल्जन होगा और रिपल्जन की वजह से ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी पुस्ड आउटवर्ड्स वो बाहर की तरफ जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है एंड दैट इज जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस अब इसका मतलब क्या है Z इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज और S का मतलब है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो मुझे टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज अगर हम यहाँ पे देखें सोडियम में तो इसका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है प्लस इलेवन तो यहाँ पे आ रहा है टोटल न्यूक्लियर चार्ज ग्यारह और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे ये जो मेरा फर्स्ट शेल है और ये जो मेरा सेकेंड शेल है दे आर डूइंग द शील्डिंग इफेक्ट तो ये है मेरे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल हैं दस इलेक्ट्रॉन और ये जो दस इलेक्ट्रॉन हैं दे आर डूइंग द वर्क ऑफ शील्डिंग सो मेरा जो शील्डिंग होगा दैट विल बी इक्वल टू टेन तो Z था मेरा इलेवन और शील्डिंग था टेन सो दैट्स वॉट आई एम गेटिंग एंड दैट इज इक्वल टू इलेवन माइनस टेन तो मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू वन तो मेरा Z इफेक्टिव आ रहा है यहां पे वन तो हम यहां पे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मुझे न्यूक्लियस के पावर को देखना है देन आई शुड सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बेटर कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियस के पावर को मेजर करने के लिए अब मैं चलता हूं फॉस्फोरस पे जिसमें होते हैं पंद्रह इलेक्ट्रॉन तो यह है फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इसका न्यूक्लियर चार्ज है प्लस फिफ्टीन और इसमें इलेक्ट्रॉन है टोटल पंद्रह यहां पे मेरे पास इन तीनों शेल में है पंद्रह इलेक्ट्रॉन अब मैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस एस तो इसमें Z है 15 और S है 10। यहां पे न्यूक्लियस लगा रहा है प्लस फिफ्टीन चार्ज सो आई एम गेटिंग Z इज इक्वल टू फिफ्टीन और इसमें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन दोबारा हैं दस यहां पे मेरे पास ये दो शेल हैं जो शील्डिंग का काम कर रहे हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं दस सो आई एम गेटिंग दस हेयर सो फिफ्टीन माइनस टेन इज इक्वल टू प्लस फाइव एंड दैट इज माई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सोडियम के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया था वन और फॉस्फोरस के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है प्लस फाइव तो अब अगर हम देखें दोनों में तो सोडियम की पावर कम है और फॉस्फोरस की पावर ज़्यादा है यानी कि सोडियम में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है देन दैट विल बी ईजियर और फॉस्फोरस में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है देन दैट विल बी डिफिकल्ट तो सोडियम का आयोनाइजेशन इन्थेरेपी होता है 496 किलो जूल पर मोल और फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन इन्थेरेपी होता है 1012 किलो जूल्स पर मोल सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम था तो यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम था और फास्फोरस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था तो यहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा था तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ये था हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था अब हमारा पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो ऑप चलते हम नेक्स्ट फैक्टर पे एंड दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होता है तो ये मेरे दो टू पी ऑर्बिटल तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये है कंप्लीटली हाफ फिल्ड यानी कि इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे आर हाफ फिल्ड तो यहां पे 2p पी एक्स पी है हाफ फील्ड 2p पी वाई भी है हाफ फील्ड और 2p पी जेड भी है हाफ फील्ड यानी कि यहां पे तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है और देखते हैं अब हम दूसरा केस यहां पे जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं दे आर फुलीड टू पी एक्स पी है फुली फील्ड 2p पी वाई भी है फुली फील्ड और 2p पी जेड भी है फुली फील्ड यानी कि यहां पे हम देख रहे कंप्लीटली फुली फील्ड ऑर्बिटल ऊपर हमने देखा कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और नीचे हम देख रहे हैं कंप्लीटली फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स तो ऐसे जो हमारे कॉन्फिग्रेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फिग्रेशन ये ऊपर वाला कॉन्फिग्रेशन भी है एक्स्ट्रा स्टेबल और नीचे वाला कॉन्फिग्रेशन भी है एक्स्ट्रा स्टेबल दोनों के दोनों एक्स्ट्रा स्टेबल हैं तो जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फुली फिल्ड हो वो वाले ऑर्बिटल्स होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल अब मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो यह है मेरा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और यह है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है दैट इज कंप्लीटली हाफ फिल्ड अब ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के कारण ये होगा एक्स्ट्रा स्टेबल और नीचे मैं देखता हूं ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो ना तो ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड है और ना ही ये कंप्लीटली फुली फिल्ड है इसमें एक टू पी एक्स है जो फुली फिल्ड है पर जो टू पी वाई और टू पी जेड है दे आर हाफ फिल्ड। तो यहां पे हमारे पास ना कंप्लीटली फुली फिल्ड ऑर्बिटल है ना ही कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो इस टाइप के ऑर्बिटल में स्टेबिलिटी कम होती है ऊपर वाला स्टेबल है बट ये वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज नॉट स्टेबल तो जो स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है और जो अनस्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा यानी कि ये जो नाइट्रोजन है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये है अनस्टेबल कॉन्फिग्रेशन और अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा आसान तो अगर हम आयोनाइजेशन इन्थेरेपी की बात करें तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन इन्थेरेपी ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इन कम होगा तो अगर हम आयोनाइजेशन इन की बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो यहां पे हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी अब यह है हमारा आखिरी फैक्टर सो so गाइज ये होता है हमारा एक पीरियोडिक टेबल अब इस पीरियोडिक टेबल में हमें स्टडी करना है कि आयोनाइजेशन इन का क्या होगा जब हम लेफ्ट से राइट right जाएंगे तब आयोनाइजेशन इन का क्या होगा और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब आयोनाइजेशन इन का क्या होगा सो दैट्स वॉट वी हैव टू स्टडी सो लेट स्टडी अबाउट दिस टॉपिक अब हम स्टडी करते हैं इसके ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड तो अलोंग द ग्रुप बात करें तो ये है मेरा एक ग्रुप जिसमें है हीम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन और रेडॉन तो अब हम इसका डायग्राम भी देख लेते हैं तो हीलियम में है एक शेल नियॉन में है दो शेल आर्गन में है तीन शेल क्रिप्टॉन में है चार शेल जीनॉन में है पांच शेल और रेडॉन में है छह शेल। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे शेल बढ़ते जा रहे हैं और शेल बढ़ने के कारण क्या होगा इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो अगर हम हीलियम में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ क्लोज़र टू न्यूक्लियस और अगर हम रेडोन को देखें तो रेडोन में जो ये इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा या अगर हम देखें तो रेडोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है तो हम रेडोन से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और अगर हम हीलियम को देखें तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा तो ऊपर मुझे मिलेगा हाई आयोनाइजेशन इन और नीचे मुझे मिलेगा लो आयोनाइजेशन इन हीलियम में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है सो आई एम गेटिंग हाई आयोनाइजेशन इन और रेडॉन में इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है तो यहाँ पर मुझे मिलेगा लो आयोनाइजेशन इन यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ तो हम क्या नोटिस करेंगे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन इन की वैल्यू घटती रहेगी सो so ये है वो ट्रेंड जो हम देख सकते हैं अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन इन की वैल्यू घटेगी अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड यानी कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट right की ओर जाएं तो क्या होगा ये है मेरा बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन अब जो बोरोन है उसमें भी दो शेल है कार्बन जो है उसमें भी दो शेल है और जो नाइट्रोजन है उसमें भी दो शेल है यानी कि सभी में दो शेल्स हैं अब बात करते हैं हम इसके न्यूक्लियर चार्ज की तो बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज है प्लस फाइव कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज है प्लस सिक्स और नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज है प्लस सेवन तो हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो जो नाइट्रोजन है उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा और अगर हम बोरोन की बात करें तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो बोरोन के केस में हम देखेंगे लो आयोनाइजेशन इन यानी कि यहां पर हमें कम एनर्जी देना होगा और कम एनर्जी देके ही यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा पर जबकि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा ताकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें सो so, यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो हम ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन इन बढ़ रही है तो लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन इन इंक्रीजेस अब मैं देखता हूं पूरा ग्रुप पूरे ग्रुप में मेरे पास है लिथियम बेरीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन तो पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं तो यह है आयोनाइजेशन इन का ग्राफ तो यहां पे आप देख सकते हो कि बोरोन का आयोनाइजेशन इन है 801, कार्बन का है 1086 और नाइट्रोजन का है 1402। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन इन की वैल्यू बढ़ रही है तो ये था सिर्फ बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन का ग्राफ तो अगर मैं इस पूरे ग्रुप का ग्राफ बनाऊं, देन इट विल लुक लाइक दिस यहां पे आप देख सकते हो कि ग्राफ इनकंसिस्टेंट है तो ये बेरिलियम और बोरोन वाला देखते हैं पार्ट और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला पार्ट देखते हैं बेरिलियम से बोरोन जाने पर आयोनाइजेशन इन्थेलपी बढ़नी चाहिए थी पर यहां पे आयोनाइजेशन इन्थेलपी घट रही है तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस देखते हैं ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इन ज्यादा होना चाहिए था बट यहां पे ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन इन कम है अब इसके पीछे रीजन क्या है इसके लिए हम पढ़ते हैं दो एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन है बेरिलियम और बोरोन का सो लेट स्टडी फर्स्ट बेरिलियम एंड बोरोन तो बेरिलियम और बोरोन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ये अब यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल देखना है यानी कि बेरिलियम के केस में मुझे देखना है 2s2 और बोरोन के केस में मुझे देखना है 2s2 2p1 तो ये है इनके आउटर मोस्ट शेल जो कि आयोनाइजेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं तो आउटर मोस्ट शेल हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आयोनाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही देखना होता है तो यही वो शेल्स हैं जिनमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो बेरिलियम के लिए आउटर मोस्ट शेल है 2s2 और बोरोन के लिए आउटर मोस्ट शेल है 2s2 एंड 2p1 अब जैसे कि हमने एक पैनीट्रेशन इफ़ेक्ट पढ़ा था पैनीट्रेशन इफ़ेक्ट में हमने पढ़ा था कि एस इज़ ग्रेटर देन पी पी इज़ ग्रेटर देन डी एंड डी इज़ ग्रेटर देन एफ़ यानि कि एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है और एफ़ में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है तो अगर हम बेरिलियम को देखें तो यहाँ पे मेरे पास है एस ऑर्बिटल और अगर हम बोरोन को देखें तो यहां पे हमारे पास एस ऑर्बिटल भी है और यहां पे हमारे पास पी ऑर्बिटल भी है तो हमें पता है कि एस और पी में से पी में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो पी का जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस तो उसको निकालना ज़्यादा आसान होता है बेरिलियम में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है एस ऑर्बिटल से पर जो बोरोन है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है पी ऑर्बिटल से तो अगर हम आयोनाइजेशन इन्थेरेपी की बात करें तो हमें आयोनाइजेशन इन्थेरेपी लो मिलेगी बोरोन के केस में और बेरिलियम के केस में हमें मिलेगा हाई आयोनाइजेशन इन्थेरेपी तो यही चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं ग्राफ में बेरिलियम का आयोनाइजेशन इन है 899 और बोरोन का आयोनाइजेशन इन है 801। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोरोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है अब ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें तो यहां पर टू एस टू है और यह है कंप्लीटली फुली फिल्ड और जो कंप्लीटली फुली फिल्ड होता है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल ये हमारा होता है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो ये होगा एक्स्ट्रा स्टेबल और एक्स्ट्रा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है अब अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन में 2s में टू इलेक्ट्रॉन्स और 2p में है वन इलेक्ट्रॉन तो 2s तो स्टेबल है पर अगर हम 2p देखें तो 2p ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो जैसे हमने दो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे तो उन दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से ये एक भी नहीं है दिस इज़ नॉट अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये है अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि यहाँ पर हमें एक्सेप्शन क्यों मिल रहा है तो ये है दूसरा रीज़न कि यहाँ पे आयोनाइजेशन इन अलग आ रही है अब मैं चलता हूं दूसरे पार्ट पे एंड दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आप ग्राफ में देख सकते हो कि यह है मेरा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और यहां पे भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है और यह एक्सेप्शनल बिहेवियर का क्या रीजन है अब हम वो समझते हैं तो यहां पे भी हम सेम ही काम करने वाले हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने वाले हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो यहां पे मेरे को मिल रहा है कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमें पता है कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है दिस इज़ कॉल्ड स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो ये है मेरा एक्स्ट्रा स्टेबल और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का हम कॉन्फिग्रेशन देख सकते हैं कि ये वाला जो है दैट इज नॉट अ स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो इस कॉन्फिग्रेशन को हम कहते हैं अनस्टेबल स्टेबल कॉन्फिग्रेशन तो अगर हम आयोनाइजेशन इन्थेरेपी की बात करें तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा नाइट्रोजन स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है और ऑक्सीजन अनस्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो नाइट्रोजन का होगा हाई आयोनाइजेशन एन्थेरेपी और ऑक्सीजन का होगा लो आयोनाइजेशन इन्थेरेपी वैसे तो होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा और नाइट्रोजन का कम बट यहां पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहां पे नाइट्रोजन का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम तो ये है हमारे ग्राफ के दो एक्सेप्शन जो हमने स्टडी कर लिए हैं तो अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल तो ये होता है हमारा एल्यूमिनियम और इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे मुझे तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मुझे ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो क्या होगा पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे मैं कहूंगा डेल्टा आई एच वन तो इसका मतलब यह है कि मुझे कितनी एनर्जी देनी होगी कि यह पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए अब इसी तरीके से मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पे यह है मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे मैं कहूंगा डेल्टा आई एच टू यानि कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर रिमूविंग सेकेंड इलेक्ट्रॉन और इसी तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे मैं बोलूँगा डेल्टा आई एच थ्री तो यहाँ पर मैं तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा हूँ तो अगर मैं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देखूँ अगर एल्यूमिनियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँगा देन आई विल गेट ए एल पॉजिटिव सो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम में से जब पहला एक इलेक्ट्रॉन निकाला देन आई एम गेटिंग ए एल पॉजिटिव अब यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू 577 किलो जूल्स पर मोल यानी कि यहाँ पे डेल्टा आई एच वन है 577 किलो जूल पर मोल तो मेरा एल्यूमिनियम बन चुका है ए एल पॉजिटिव अब इस ए एल पॉजिटिव से मुझे निकालना है एक और इलेक्ट्रॉन तो जब मैं इस एल पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा देन आई विल गेट ए एल टू पॉजिटिव अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है दैट इज कॉल्ड डेल्टा आई एच टू एंड दैट इज इक्वल टू वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फाइव किलोजूल पर मोल यानी कि हमें इतना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा कि हम एल्यूमिनियम पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें और कॉन्सिक्वेंटली आई विल गेट ए एल टू पॉजिटिव आयन अब मेरे पास आ चुका है ए एल टू पॉजिटिव आयन अब यहां से मुझे निकालना है एक और इलेक्ट्रॉन अब यहां पे मैं दोबारा दूंगा कुछ एनर्जी जिसके कारण से एल्यूमिनियम से एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एंड आई विल गेट ए एल थ्री पॉजिटिव हेयर तो यहाँ पे मैंने ए एल टू पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और इसके कारण मुझे मिल गया ए एल थ्री पॉजिटिव और हमें पता है कि इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगी है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा आई एस थ्री और यहाँ पे हमें एनर्जी मिलेगी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एट किलो जूल पर मोल तो यहाँ पे हमारे को इतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हो पहले हमें कम एनर्जी देनी पड़ी फिर बाद में अगर हम डेल्टा आई टू देखें तो उसमें हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी और फिर अगर हम थर्ड स्टेप में जाए तो यहां पर हमें और भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो इसका मतलब आप समझ होगे कि क्या है यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट है और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है यानी कि अगर हम डायग्राम में देखें ये पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा यहां पे हमें कम एनर्जी देनी होगी और अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देखें तो यहां पे हमें थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना होगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए पहले इसे तीन को हैंडल करना था अब इसे सिर्फ दो को ही हैंडल करना है ये जो न्यूक्लियस है ये दोनों पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा और काफ़ी स्ट्रांगली इन्हें बॉन्ड करके रखेगा पहले वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल गया पर ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें थोड़ा और एनर्जी देना पड़ेगा डेल्टा आई एच वन था 577 और डेल्टा आई एच टू है 1795। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा नाउ आई हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन यानी कि इस न्यूक्लियस को अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देखना है पहले दो इलेक्ट्रॉन तो निकल गए हैं अब इसे सिर्फ़ एक ही इलेक्ट्रॉन देखना है तो यहां पे फोकस अब सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन पे है तो ये जो न्यूक्लियस है इसका सारा फोर्स इसी इलेक्ट्रॉन पे है तो यानी कि इसे निकालना और भी डिफिकल्ट होगा तो यहां पे जो मैं एनर्जी लगाऊंगा दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा आई एस थ्री एंड दैट विल बी मच हायर देन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इन थेरेपी यानी कि जितना मैंने पहले एनर्जी दिया था उससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्योंकि यहां पे ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसने इस इलेक्ट्रॉन को काफी स्ट्रॉन्गली बॉन्ड कर लिया है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देनी होगी तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा आई एस थ्री है दैट इज टू सेवन फाइव एट किलोजूल पर मोल यानी कि हमें इतना एनर्जी देना पड़ेगा तब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इन थेल्पी था कम सेकेंड आयोनाइेशन इन थेरेपी उससे ज्यादा था और थर्ड आयोनाइजेशन इन थेरेपी उससे भी ज्यादा था यानी कि हमारे को कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो रहा है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट हो गया सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन इन थेरेपी तो ये है आयोनाइजेशन इन थेरेपी का कॉन्सेप्ट सो गाइज ये था हमारा टॉपिक आयोनाइजेशन इन थेरेपी का I hope you like this video and if you like this video then like comment and share and don't forget to subscribe our channel. So I am Sumer podar and you are watching Play Chemistry and I will meet you in the next video.